आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है भीतर एवं बाहर का सच। देखिए, सत्य सत्य ही रहता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता है। कौन होते हैं वो झूठ के होते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सच बोल दिया, हो सकता है हमको पनिशमेंट मिले, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारी शुद्धि हो जाती है, हमको बार बार जलील तकलीफ टेंशन में नहीं आना होता है। इसीलिए सच बोलना चाहिए, सच को जानना चाहिए, सच की उपासना करनी चाहिए। इसलिए कहा गया ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है वही ईश्वर है और सत्य ही भगवान है। अहिंसा और सत्य का जोड़ा है, बिना सत्य के अहिंसा लूली है और बिना जो है अहिंसा के सत्य लंगड़ा है। दोनों अविनाभावी संबंध होने के कारण ही अहिंसा और सत्य के माध्यम से जो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 200 वर्ष पुरानी अंग्रेजों की शासन की सेवा को उखाड़ दिया। तो भाई और बहनों, हमें अब देखना है बाहर का सच क्या है और भीतर का सच क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, जिसको हम अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं, और वही हमारा विषय है। उसकी प्राप्ति के लिए हमने कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का सहारा लिया है। क्यों लिया है? कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके अंदर राइट बिलीफ डालते हैं, यानी कि आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन समाप्त करके उसकी जगह आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन फिट कर देते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। फिर वो स्क्रिप्ट कहिए, फिर वो जो कहना चाहिए घंटी कहिए, वह उसमें डेवलपमेंट होता रहता है होता रहता है होता रहता है, और वह डेवलपमेंट जन्म जन्मांतर के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। ये हम क्यों करना चाहते हैं? कि हम शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं आपके भीतर के। आपके एक बार अगर शाश्वत सुख की नींव लग गई तो स्नेह स्नेह आपका ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होता रहा, तो हमारे घाती कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म जो है, जो कि आत्मा की घात करते हैं, आत्मा पे पर्दा डाला हुआ होता है, वो स्नेह स्नेह घुलते रहते हैं, डाइल्यूट होते रहते हैं, और एक समय आता है कि वो घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं। घाती कर्म समाप्त होते ही जो है ऐसे व्यक्ति को जो है वो केवल दर्शन मिलता है, अगले जन्म में वो केवल ज्ञानी हो जाता है, यानी कि उसका पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। फिर उसको रियल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, और रियल पुरुषार्थ को करने के जो साधन होते हैं, जिसको कि हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं, तो मन से अमन बन जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा का नाश होता है, कॉजल बॉडी का नाश हो जाता है और अज्ञान का नाश हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो है अब सबसे पहले बाहर के सच की बात करते हैं। बाहर का सच कहाँ से प्रारंभ होता है? जब हम जन्म लेते हैं, और बाहर का सच समाप्त
कहाँ होता है इस जीवन का। वैसे तो ये जन्म जन्मांतर चलता रहता है, लेकिन हम एक जीवन स्पान की बात करते हैं। हम जो है हमारा आयुष्य कर्म जितना है उतनी ही हम बात करते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का खुली आँख का जो सच है, जो खुली आँख से हम देखते हैं या हम भोगते हैं, यानी हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसका हम पहले सच की व्याख्या करते हैं, उस सच को जानते हैं, फिर भीतर का सच को टटोलेंगे हम। क्योंकि हम बाहर से भीतर जा रहे हैं और भीतर से भी बाहर आता है। भीतर जो है हमारा सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत गवर्न करता है बाहर के जगत को, यानी भीतर से बाहर आता है, सूक्ष्म पावरफुल होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने जो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं, छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, उसकी जो है 100 GB मेमोरी हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है उस मेमोरी के अंदर जो है वो पूरा एक यूनिवर्सिटी की, जो कहना चाहिए कि सारी जो है लाइब्रेरी उसके भीतर आ जाती है। तो वह कितना सूक्ष्म है और कितना बड़ा रिजल्ट देता है। तो सूक्ष्म से स्थूल गवर्न होता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे बाहर के सच की, बाहर का सच क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। और क्योंकि वह अवस्था है तो अवस्था हमेशा जड़ होती है, अवस्था हमेशा विनाशी होती है, अवस्था हमेशा जाने वाली होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। इसीलिए अवस्था का अर्थ का मतलब होता है कि वो जा रही है, जा रही है। हमारी आयु समाप्त हो रही है, हमारा दुख समाप्त हो रहा है, हमारा सुख समाप्त हो रहा है। अवस्था में आप देखिए, पहले हम बच्चे थे, उसके बाद के अंदर हम जो किशोर बने, फिर हम युवा बने, फिर प्रौढ़ बने, फिर वृद्ध बने, और एक समय आएगा कि हम संसार से विदा भी हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, ये अवस्था बदलती रहती है क्योंकि विनाशी है और ये जड़ है और ये जाने वाली है। तो ये सारी फिक्स है। फिक्स का मतलब ये हो गया, ये प्रीडेस्टिन्ड है, ये सारा चिट्ठा जो है इस जन्म का हम पीछे से लेकर के आते हैं। कैसे लेके आते हैं, मैं आपको उदाहरण दूं कि जब कभी भी हमारी ये फिल्म बनती है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलियन होता है, और शॉट्स लिए जाते हैं, कुछ जो है भीड़ होती है। तो शॉट्स लेने पर जो कई बार डायरेक्टर को शॉट पसंद न आए, कोटेशन पसंद न आवे, तो वो कहेगा कट कट कट, तो वो जो है कैमरे से हटा दिया जाता है और बिना कट का रख दिया जाता है, सारी इकट्ठी करके जोड़ करके और एक फिल्म बनाई जाती है। और वह फिल्म जब कंप्लीट हो जाती है 2-2.5 घंटे की, तब वो एक साथ सभी थिएटर्स में रिलीज की जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब फिल्म बन करके वह रिलीज हो जावे, तो क्या किसी को स्वतंत्रता है उसके अंदर करेक्शन करने की, उसमें सुधार करने की, उसमें जोड़ने की, उसमें घटाने की? तो नो फ्रीडम एट ऑल। इसीलिए पिछले जन्म के अंदर जो जो हमने कॉजेज डाले हैं, जो जो हमने जो है वो अपनी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा प्रतिष्ठा की है, और उन कॉजेज डालने के समय जो भाव कर्म है उस पर कोट लग गया, वो तो केवल कर्म है पौद्गलिक, उस पर कोट लगने के बाद में वो कर्म बनते हैं। तो सारे भाव कर्म इकट्ठे हुए, उसमें हमने बीच में करेक्शन भी दिया है, यानी किसी भाव कर्म को हटाया, किसी को कम किया, किसी को सुधारा, सब तरह का करेक्शन करते 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 हमारा पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त होने लगता है। तो वो सारी जो कॉजल बॉडी
पूरे जन्म की जो फ्रेम होती जिसमें अगले जन्म का आयुष्य भी उसके भीतर है, वो सारा जो है एग्जामिनर यानी कुदरत को दे दिया जाता है। हमारी एग्जामिनर कुदरत है, हमारा भरण पोषण करने वाली कुदरत है, हर जीवित प्राणी को जन्म देने वाली और उसका भरण पोषण करने वाली, उसकी मन वचन काया की सब क्रियाओं को संचालित करने वाली कुदरत है। यानी कुदरत क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। और हम जो हमारी खुली आँखों से जो हम दृश्य देखते हैं, पांच इंद्रियों का जगत देखते हैं, ये कुदरत के द्वारा संचालित है, ये कर्मों के द्वारा संचालित है, ये कठपुतली के रूप में संचालित होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलना हार। कभी जो है कभी जीव माता बना, पिता पुत्र फिर नार, भाई भगिनी बन गया यह विचित्र संसार। यानी कि इस दुनिया में हम रोल अदा करते हैं, और जैसे कि रामायण का नाटक खेला जाता है, तो कोई जो है वो सीता बनता है, राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, और दूसरा हनुमान जी बनते हैं, विभीषण बनते हैं, अपना रोल पूरा किया और चले जाते हैं। उसी तरीके से हम अपने कर्मों का भुगतान करके, परिणाम को देकर के, हिसाब पूरा करके और रवाना हो जाते हैं। ये बाहर का सच है। यानी कि ये जो हमारी कुदरत है, ये संजोग जुटाती है। संजोग क्या होते हैं? द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, ये सब जुटाने वाली एजेंसी है वह कुदरत है। और उस कुदरत का एक पार्ट होता है व्यवस्थित शक्ति। कुदरत तो पूरे ब्रह्मांड पे काम करती है, वो प्राकृतिक स्तर पर करती है, और व्यक्तिगत स्तर पे वह व्यवस्थित शक्ति बन जाती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बन जाती है, जो इंडिविजुअल का लेखा जोखा रखती है। और जो कुदरत है वो प्राकृतिक रूप से जो है प्राकृतिक नियम यानी कुदरती कानून से और कुदरत की अवस्था बदलने से क्या होता है कि अवस्था बदलने से जो रात होती है, दिन होता है, ऋतुएं आती है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आती, सुनामी आते हैं और जो है भूकंप आते हैं और कई कई तरह की चीज़ें परिवर्तन होती रहती है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये सब जो है वो कुदरत के अधीन व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन होता रहता है। तो हम आपको बता रहे थे कि ये बाहर का सच है, और इस बाहर के सच के अंदर आप मानो या न मानो, आपको एक अतिरिक्त भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। और होता वही है जो उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। और आप कहते हो कि ये दुनिया जो पुरुषार्थ पे चलती है, बिना पुरुषार्थ हमको सफलता कहाँ मिले, और पुरुषार्थ का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। तो लोग उस पुरुषार्थ के आधार पर कहते हैं कि मैंने पुरुषार्थ किया जब मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, गृहिणी बना, नेता बना, राजा बना, महाराजा बना, मिनिस्टर बना। हमने मान लिया कि आप बने और उसको पुरुषार्थ को, तो हमें हमारे अध्यात्म विज्ञान में हमको कोई भी उसमें एतराज नहीं है। हम उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ होता है वो अज्ञानता होता है जो कि कुदरत से जुड़ा हुआ होता है, प्रीडेस्टिन्ड होता है, नियत होता है, और रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो आप भले उसको पुरुषार्थ मानिए, और अज्ञान बुरा नहीं होता है। अज्ञान का अर्थ होता है कि रिलेटिव पुरुषार्थ, और जो वास्तव के अंदर भीतर की जगत की जब बात करेंगे तो वहाँ रियल पुरुषार्थ की बात करेंगे। रियल पुरुषार्थ करने का होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ ऑटो मोड से चलता है, होता है, ये हो रहा है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ, ये मैं कर रहा हूँ,
ये रियल पुरुषार्थ है और यही बाहर और भीतर का सच है। होना बाहर का सच है, करना भीतर का सच है और दोनों मिलकर के मुक्ति की अवस्था मिलती है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो जो भी आपका कर्जा है, जो जो भी आपका हिसाब है, जब तक हर प्राणी से एनओसी लेकर के आप चुकता नहीं करोगे, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको निश्चय नए या आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। हमने बैंक से लोन लिया है तो उस लोन को धीरे धीरे जब हम किस्तों में चुका नहीं देंगे, तब तक जो है हमारा छुटकारा या हम साहूकार कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, बाहर का सच है वो यही है कि जो है वो हम कुदरत के अधीन जो है जैसे जैसे संजोग जुटाते हैं होता रहता है। अब वो संजोग कैसे जुटाती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, मेरे बाल कट गए, तो मैंने ये भाव किए कि मुझे बाल कटाने हैं। उस भावों के वशीभूत मैं जो नाई की दुकान पे चला गया, तो नाई है वो द्रव्य हो गया, नाई की दुकान क्षेत्र हो गया। भाव मैंने किए थे कि बाल कटाने हैं और काल का मतलब 10 बजे मैं पहुंचा। तो अब हुआ क्या कि वो नाई है भोजन करने घर चला गया और बताया कि आधा घंटा कम से कम लगेगा और 5 लोग लाइन पे लगे, मेरा 6ठा नंबर है। मैंने कैलकुलेशन करी, 2 घंटे पहले बैठा भी रहूं मेरा काम नहीं होना और मुझे अर्जेंट काम है घर पे, तो मैं लौट के आ गया, क्योंकि वो काम होने का अभी संजोग या नियति संजोग नहीं बना था। दूसरे दिन क्या हुआ, फिर मैंने भाव किए कि गर्मी लग रही है, बाल कटाने चाहिए। मैं उसी नाई की दुकान पे चला गया, नाई मिल गया, द्रव्य पूरा हो गया, क्षेत्र नाई की दुकान थी और काल में जितने बजे गया वो नाई मिल गया और भाव मेरे थे ही, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने से उसने मेरे हाथों हाथ बाल काट दिए, मुझे फ्री कर दिया और मैं तुरंत घर आ गया। तो ऐसे हर घटना के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है लागू होता है, काम करता है और वह जो है व्यवस्थित शक्ति के अधीन ही है। उसका इंचार्ज व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है और उसकी बड़ी मालिक है वो कुदरत है। तो बाहर का सच क्या बना कि हम जो है कुदरत के अधीन जो है अपना कार्य करते हैं। अब हम भीतर के सच की ओर जाएं तो भीतर परमात्मा का जगत है, प्रभु का जगत है। भीतर जो प्रभु विराजमान है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है चेतना है, परमात्मा है। बने नहीं हम अभी परमात्मा, लेकिन उसका स्वरूप है वो परमात्मा। हमको परमात्मा को पाना है, परमात्मा बनना है, वो हमारा लक्ष्य है। भीतर बैठा वही हमको बुला रहा है, उसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ, उसकी ताकत से मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, सब काम करता हूँ। तो भाई और बहनों, हम आपको भीतर का जगत बता रहे हैं, तो भीतर का जगत जो है वो हमारे प्रभु से विराजमान है। यानी कि हम अब कोई भी कार्य करें उस पर स्वतंत्र है, उसके ऊपर आत्मा से निकली हुई भाव सत्ता प्रज्ञा मॉनिटर करती, उस पर किसी का कानून लागू नहीं होती है। और प्रज्ञा जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी हुई, इधर हमारा जो शरीर है जो बाहर का सच है, अज्ञा वह भी प्रतिष्ठित आत्मा के जुड़ी, क्योंकि मूल आत्मा कोई काम नहीं करती, वो केवल क्रिया है। और ये जड़ है जो हमारा है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान का साधन है। तो जो करने वाला है वह मिश्र चेतन प्रतिष्ठित आत्मा है, जो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। चेतना से जुड़ी होने के कारण चेतना की तरह एक्टिंग करती है, इसीलिए उसको मिश्र चेतन कहा जाता है और जड़ उसकी प्रकृति है। तो भाई और बहनों, ये उसकी सहायता से
ये बाहर के सब काम होते हैं या भीतर के अंदर प्रज्ञा जो है हमको धीरे धीरे बाहर के हमारे हिसाब पूरे हो गए संजोग के माध्यम से और भीतर हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहा, यानी कि हमारा ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय कर्म जो है समाप्त हो गए। हमने आठवां गुण स्थान जो है प्राप्त किया क्षपक श्रेणी, और क्षपक श्रेणी लेते ही नौवें दसवें के चढ़ते हुए ग्यारहवां को छोड़ते हुए बारहवें गुण स्थान में आकर के हम वीतराग बन गए। वीतराग का अर्थ है कि मोहनीय कर्म संपूर्ण समाप्त हो गया, जो हमारे को ज्ञान मिलने के साथ भस्मीभूत किया था लेकिन उसकी कुछ प्रकृतियाँ बाकी थी, बारहवें गुण स्थान में वो समझ समाप्त हो गई। बारहवें से तेरहवां गुण स्थान है वो केवल ज्ञान का गुण स्थान है, उसके अंदर केवल एक अंतर मुहूर्त का गैप है। तो तेरहवें गुण स्थान के हम जो सहयोगी केवली बन गए, यानी कि हमारे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय तो समाप्त हो गए लेकिन क्रियापतिक हमारे जो अघाती कर्म है, जो कि हमारा वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म नाम कर्म और गोत्र कर्म जो है वो अभी बाकी है, आयुष्य तो बाकी है, तो इसीलिए वो हमको भोगना पड़ता है और भोगना उसको भोगना डिस्चार्ज की तरह है, और वो आयुष्य पूरा होते ही वो अपने आप भोग लिया जाता है। तो भीतर का जो सच ये बताता है कि उसको हम भोग लेते हैं अघाती कर्मों को, तो घाती कर्म भोग लिए जाते हैं शून्य हो गए, अघाती कर्म शून्य हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर चौदहवां गुण स्थान प्राप्त होता है अ ऊ री ली रंग, ये पांच अक्षर बोले जितना चौदहवां गुण स्थान है और व्युत्सर्ग होता है। पहले जो है मन का व्युत्सर्ग होता है, वचन का व्युत्सर्ग होता है, और टू थर्ड अवगाना लेकर के वह आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ईश्वर के रूप में भगवान के रूप में शाश्वत रूप के रूप में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। फिर इस जो है जो बाहर का सच है यानी 84 लाख जीवा योनि का जो भुगतान है उसमें वो कभी भी एंट्री नहीं लेती है। भीतर की जो सच है उसका हाईएस्ट स्थान है मुक्ति, और बाह्य जगत का जो सच है उसकी जो है वो ऊपर के स्थान का होता है कि वह मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, वो भुगतान है, वो परिणाम है, वो जो है भोग लिए जाते हैं। तो बाहर का जगत तो भोगने के लिए परिणाम स्वरूप में, और भीतर का जगत है ये करने के लिए यानी घाती कर्मों का नाश करने के लिए मुक्ति में जाने के लिए होता है। तो भाई और बहनों, हमने जब अगर दोनों सच जान लिए तो हम उसका परस्पर संबंध बिठाते हैं कि वो परस्पर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर वो कॉम्प्लीमेंट्री है और परस्पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा होलिस्टिक सिस्टम हो जाता है, यानी कि हमको दोनों पक्षों को लेकर के समानांतर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारी साधना क्या है, हमारा सम्यक तप क्या है, प्रकृति को पुरुष से जीवन भर जब तक कि मुक्ति को नहीं जाते हैं, स्पर्श मत होने दो, टच मत होने दो, उसको अलग रखो, और प्रकृति हमारा मन वचन काया है और पुरुष है वो हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। ये उदय और प्रारब्ध है और ये कुदरत के अधीन है और ये परतंत्र है, और भीतर का जो सच है वो स्वतंत्र है क्योंकि वह शुद्ध आत्मा स्वरूप में है। तो इस तरीके से जो है हम अगर व्यवहार करने लग जाते हैं या फिर जो है हम इसको पा लेते हैं, ये सब करने के बाद के अंदर हम अपने
आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका जो है सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे जब हमारी पहचान बढ़ जाती है तो बढ़ते बढ़ते जो है हम जो है आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो है शुद्धिकरण का मंत्र भी साथ चलता है, वो है हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्धात्मा। ये झाड़ू है, ये निमित्त का मतलब दुनिया के मेरे सहित समस्त प्राणी जो है अकर्ता है, और अकर्ता होने के कारण वो निमित्त है, और वो निर्दोष इसलिए है कि कुदरत उसका संचालन करती है, और शुद्ध आत्मा इसलिए है हरेक के भीतर परमेश्वर विराजमान है। तो इस तरीके से हमने भीतर और बाहर के सच की व्याख्या की, दोनों को आपस में जोड़ा, और दोनों साथ साथ चलते हैं। बाहर के सच को समाप्त करके भीतर के सच में विलीन होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और वह व्यवहार जगत को समाप्त करके निश्चय जगत को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग दर्शन शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्कशॉप कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग दर्शन शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।